तो क्या जयपुर से निकल रहा था मैं दिल्ली के लिए खाली, तो मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना हवा महल के दर्शन कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ। हवा महल तो कुछ इस तरह का है ये हवा महल। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस आज है 30 जुलाई 2022, टाइम हो रहा है 8:20। मैं कल आया था जयपुर, तो कल रात को मैं तकरीबन 8:30 बजे यहाँ पर ड्रॉप कर दिया था। आपने कल वाला ब्लॉग नहीं देखा तो कल वाला ब्लॉग देखो, बहुत ही मज़ेदार ब्लॉग बना है। और जयपुर की जो अर्निंग इन्फॉर्मेशन है वो सारी दी है मैंने, ड्राइवर भाई मिल गए थे उनसे पता करके। तो कल का ब्लॉग तो मैं यहीं पे एंड करके और सोचा मैं रात में 1-2 बजे निकल जाऊंगा, लेकिन नहीं निकल पाया, यहीं पे सो गया। अभी मैं शास्त्री नगर पेट्रोल पंप पे यहीं पे सीएनजी भरवाई थी, यहीं पे खड़ा हूँ शाम से, तो यहीं पे सो गया। तो फिर आँख खुली नहीं तो उठाऊँ सो के 8 बजे। तो यहाँ पे और गाड़ियाँ खड़ी थी, लेकिन एक भैया और हैं वो गुड़गांव नंबर गाड़ी, तो उनसे मिलवाता हूँ। हेलो भैया। भाई भाई कैसे हो भैया? बढ़िया भाई। भैया की गुड़गांव नंबर गाड़ी है और ये शाम आ गए थे 12-1 बजे के आसपास, तो सभी से हम दोनों लोग यहीं सो रहे हैं। बहुत गाड़ियाँ थी, 4-5 गाड़ी और थी। तो भैया आप ओला से आए हो, ऊबर से आए हो? ओला से। अच्छा ओला से आए हो, कहाँ से आए थे? मैं गुड़गांव से। अच्छा गुड़गांव से कहाँ, यही जयपुर? नहीं जोधपुर। जयपुर से जोधपुर छोड़ने बाद गुड़गांव से जोधपुर छोड़ने गए थे, फिर यहाँ पे खाली आ गए हैं। तो भैया ओला से आए तो इनकी नहीं बज रही है ड्यूटी रात से अभी तक, तो मेरी क्या बजेगी? मैं उम्मीद लगा के आया हूँ कि उम्मीद लगा के खड़ा हूँ शाम से कि ड्यूटी बच जाए तो लेके चला जाऊँ तो मैं तो लाया भी नहीं हूँ ना ओला में ना ऊबर में, पर्सनल ड्यूटी लेके आया था, तो मेरी बजेगी कैसे? तो भैया की ओला के थ्रू आए तो नहीं बज रही है, तो मैं काफ़ी पता काफ़ी क्या तकरीबन 7-8 घंटे हो गए वेट करते हुए, 8 घंटे 9 घंटे हुए ऑनलाइन हुए, अभी तक कोई ड्यूटी नहीं बजी है। तो मैं तो निकल रहा हूँ यहाँ से, भैया कह रहे हैं मैं भी निकल जाऊँगा, आप निकलोगे या देखोगे इंतजार? अभी तो है 1-1.5 घंटा, 1-1.5 घंटा रुकोगे? 1-1.5 घंटा 2 घंटा देखेंगे, बात हुई थी मेरी कह रहे हैं 10 बजे के आसपास तक देखूंगा, अगर बज रही सही वरना निकल जाऊंगा यहाँ से, फिर समय खराब करना सही नहीं है ना यहाँ पे, फिर निकल जाएंगे यहाँ से। मैं तो अभी निकल रहा हूँ क्योंकि सो के उठाऊँ, भैया से बात हुई शाम भी और अभी भी, तो मैंने डिसाइड कर लिया अब रुकना नहीं है यहाँ पे, क्योंकि बजेगी नहीं, जब जो लोग ओला उबर के थ्रू आए उनकी नहीं बज रही तो मेरी क्या बजेगी। तो मैं यहाँ से जाऊँगा सीधा कूकस वाले रास्ते पे, उधर से देखता हूँ कोई प्राइवेट बुकिंग मिल जाएगी तो ले जाऊँगा, नहीं तो फिर देखते हैं खाली निकल लेते हैं दिल्ली, अपना तो काम सही है, रुकना नहीं है। कल परसों वाले दिन में आ गया था ग्वालियर से खाली, आज जयपुर से खाली, इतना तो दिल्ली में भी काम कर लेंगे, यहाँ खड़ा रहने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो निकलते हैं यहाँ से, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं से स्टार्ट। अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना दोस्तों के साथ में, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो जिससे कि आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको। स्वागत आज का ब्लॉग करते हैं शास्त्री नगर जयपुर से स्टार्ट, गो। निकल रहा था मैं दिल्ली के लिए खाली, तो मैंने सोचा जाते जाते क्यों ना हवा महल के दर्शन कर लूँ और आपको भी दिखा दूँ। हवा महल तो कुछ इस तरह का है ये हवा महल, और धूप ज़्यादा होने के कारण साफ फोटो साफ वीडियो नहीं आ पा रहा है, तो ऐसे ही कुछ बना रहा हूँ साइड में। भीड़ भी ज़्यादा नहीं हो रही, गाड़ी भी पार्किंग में नहीं लगाई है, साइड में रोड पर ही खड़ी है, तो ज़्यादा कुछ टूरिस्ट लोग भी नहीं है, थोड़े थोड़े टूरिस्ट हैं, तो कुछ इस तरह से हवा महल। मैं सामने वाले कैमरे से आपको बढ़िया से दिखा, इस वाले कैमरे से कितना मस्त कितना बढ़िया दिख रहा है, सामने वाले कैमरे से दिख नहीं रहा है क्योंकि उसमें ना धूप पड़ रही है तो उस पर इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है, तो इस वाले कैमरे से शूट कर रहा हूँ, कितना मस्त लग रहा है। सुबह सुबह का टाइम है और लोग भी नहीं है और भीड़ भी नहीं है, तो कुछ इसी तरह का है। बाकी निकल रहे हैं यहाँ से अब हम।
सुबह इस टाइम हो गया 10:20, मैं पहुंच गया शिवा ढाबा मामा यादव। शिवा ढाबा मामा यादव जो हर बार में इधर ही रुकते हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत समय के बाद आए हैं क्योंकि इधर जयपुर का कोई रूट नहीं लग रहा था काफ़ी समय से। तो आज देखते हैं मिलेंगे कौन कौन मिलेगा कौन कौन नहीं मिलेगा जान पहचान वाला। तो चलते हैं अंदर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट और फिर निकलेंगे यहाँ से। अपने साथ कोई राइडर तो है नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे राइडर हो ना हो सब कुछ आ सकते हैं। तो कुछ इस तरह से टेबलें लगी हुई हैं बाहर, सारा कुछ बढ़िया से काफ़ी क्लीन है और शॉप कॉफी और खुल भी गई हैं, तो कुछ ऐसा ही चल रहा है। तो आ गए हैं अंदर, धूप बहुत है और रिसेप्शन पे जो हर बार भैया मिलते हैं वही मिले हैं इस बार भी। भैया हेलो, कैसे हो भैया? बढ़िया बढ़िया ना, बना दो पर्ची हमारी भी। अभी यहीं से पर्ची लेनी होती है हर बार जो बताता हूँ आपके लिए, पर्ची ले लेता हूँ ब्रेकफास्ट की, फिर कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, देखते हैं ब्रेकफास्ट में क्या खाएंगे। थैंक यू भैया। भैया ने दे दी है कुछ इस तरह की पर्ची। अब अपना चल रहे हैं ड्राइवर वाले स्टाफ में, स्टाफ रूम में। बाकी इधर ज़्यादा कुछ राइडर अभी मतलब कस्टमर ज़्यादा नहीं आए हैं, सारा कुछ तो मुझे लगता है कोई ड्राइवर भाई भी नहीं होगा, अकेले मैं ही बैठूँगा। तो यहाँ पे सर जी बैठे हैं। हेलो सर, और बढ़िया और ठीक है सर? मैं सोच रहा था भैया मिलेंगे नहीं मिलेंगे, काफ़ी समय के बाद आया हूँ ना इसलिए थोड़ा डर रहा था, लेकिन भैया मिल गए। कोई नहीं, ये तो यहीं रहते हैं, कभी भी आओ मिलो भैया से, विजिट करो। और सब बढ़िया चल रहा है? सब बढ़िया चल रहा है। और आप लोगों बस बढ़िया है? तो कभी भी आना है तो पर्ची लेके भैया को ही देनी है, भैया सारी ध्यान रखेंगे सभी लोगों का। तो अभी भैया को बोल देते हैं एक पराठा करवा दो, चाय करवा दो। आ रहे हैं भैया और चाय पराठा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, बाकी कर लेते हैं बातें, काफ़ी समय के बाद आए हैं। लो भैया तो कर लेते हैं, मिलते हैं जब आ जाएगा अपना पराठा, दिखाते हैं और क्या खाएंगे वो सारा कुछ। सो गाइस, मैंने पराठा ऑर्डर किया था और दही ऑर्डर किया था तो आ चुका है। सर्विस बहुत ही फास्ट है, 2 से 3 मिनट के अंदर आ जाता है फटाक से। पर्ची थी, इधर खाना हाजिर है एकदम से, ऐसा नहीं बैठे रहो वेट करते रहो। तो पराठा कुछ इस तरह का सिका हुआ है, एकदम कड़क मज़ा आ रहा है, देखने में भी मज़ा आ रहा है तो खाने में तो अलग आएगा ही। और दही भी है और अचार ले लिया खट्टा मीठा वाला, ये वाला अचार तो मेरा फेवरेट है, एकदम खट्टा मीठा लगता है खाने में। तो कर लेता हूँ ब्रेकफास्ट और मिलता हूँ ब्रेकफास्ट करने के बाद। सो गाइस, अपना ब्रेकफास्ट तो हो गया फिनिश और ब्रेकफास्ट में चाय दही और पराठा लिया था, मज़ा आ गया खा के। अभी निकलते हैं यहाँ से और भैया को बोलते हैं थैंक यू, देखते हैं अगली ट्रिप कब आएगी, नेक्स्ट टाइम जब भी आएगी तो भैया से मिलेंगे। ठीक है भैया, बाय बाय। तो चल रहे हैं अब कहीं नहीं रुकना, डायरेक्ट दिल्ली रुकना जाके, क्योंकि अपने साथ कोई है नहीं तो और कहीं रुकना भी क्या है। देखते हैं अब अगली राइड कब आएगी और अगली बार कब यहाँ पर खाना खाने के लिए मिलेगा। जल्दी काम मार्केट में खुल जाए फिर जल्दी आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है मज़े से। बाकी सारा कुछ इधर भी भैया बता रहे थे काम में थोड़ा मद्दा चल रहा है, मतलब इतना मद्दा भी इन लोगों का काम तो होता रहता है। जैसे यहाँ पे हमारा काम होता है कॉमर्शियल, जब काम निकलेगा टैक्सी लाइन का तभी हमें काम मिलेगा। इनका क्या होता है, इसमें पर्सनल गाड़ियाँ भी आती हैं तो इनका काम इतना कम नहीं होता, बढ़िया रहता है इनका काम। लेकिन अभी यहाँ थोड़ा सा 19 है पहले के मुकाबले, तो कुछ इस तरह से दिख रहा है। बाकी शॉप काफ़ी खुल गई हैं आगे, अब जाएंगे नहीं क्योंकि समय कम है, फटाफट निकलना है यहाँ से। तो मिलते हैं अगले स्टॉप पे पहुँच के कहीं पे। सो गाइस, टाइम हो गया है 2:25, मैं पहुँच गया हूँ गुड़गांव। कोई भी पैसेंजर, कोई भी सवारी, कोई भी बुकिंग नहीं मिली, जयपुर से खाली आ रहा हूँ। खाना खाया था आपने देखा शिवा ढाबा, पर वहाँ से सड़ासड़ चला ही आ रहा हूँ, अकेले हूँ आराम से। तो अभी पहुँच गया हूँ मैं इफ्को चौक, इफ्को चौक गुड़गांव पहुँच चुका हूँ और मैं कहीं नहीं रुकने वाला हूँ, डायरेक्ट घर जाऊँगा। और कल मुझे कहीं बाहर निकलना है तो आज रेस्ट कर लेता हूँ घर पर और घर पहुंच के ही मिलूंगा। रास्ते में देखता हूं कहीं ट्रैफिक मिला या कुछ ऐसे अपडेट करने वाली चीज़ हुई तो अपडेट करूंगा, नहीं तो फिर घर पहुंच के मिलूंगा। तो वेट करो थोड़ी देर का, बस 2:20 हो चुके हैं और हम पहुंच रहे हैं घर, मिल रहे हैं घर पे पहुंच। ब्लॉग देख लिया, अच्छा लगा हो तो कमेंट करके बता भी दो मुझे कैसा लगा ब्लॉग, मैं आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा पक्का। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, वहाँ भी क्वेश्चन करो। और फेसबुक पे देख रहे हो तो शेयर कर दो वीडियो और फॉलो कर लो। और यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो। कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।